श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि श्री आनंदपुर साहब के खालसा कॉलेज में नैतिकता को जरूरी विषय वजों पढ़ाया जाएगा क्योंकि सिक्ख्या का असल संकल्प विद्यार्थियों को चंगे इंसान बनाना है। सिक्ख्या का मकसद पैसा कमाने वाली मशीन पैदा करना नहीं होना चाहिए। ये विचार उन्होंने खालसा कॉलेज में करवाई गई एक रोजा विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस में मुख्य मेहमान वजो संबोधन करदिया प्रगट किए। इस मौके अपने विचार प्रगट करदिया जगत पंजाबी सभा कैनेडा के चेयरमैन सरदार अजैब सिंह चट्ठा ने एडवोकेट धामी के फैसले का स्वागत किया। उन्हें कहा कि दुनिया में खालसा कॉलेज अजिहा पहला कॉलेज होगा जिथे नैतिकता के विषय में पढ़ाया जाएगा। सरदार चट्ठा ने भरोसा दवाया कि उनकी संस्था जगत पंजाबी सभा कैनेडा नैतिकता विषय लिए सिलेबस तैयार करने लिए पूर्ण सहयोग देगी। इस मौके खालसा कॉलेज के प्रिंसीपल डॉक्टर जसवीर सिंह 31 विद्वानों के लेखों उत्ते आधारित किताब से एक होर पुस्तक चौं धर्मां विच नैतिकता भेंट करदे आस प्रगट की गई कि इन्हां किताबों की सहायता नाल भी वधिया सिलेबस तैयार किया जा सकता है। इस सफल कॉन्फ्रेंस में कई नामवर शख्सियतों समेत वड्डी गिणती में लोगों ने शमूलियत की। मैं अजैब सिंह चट्ठा चेयरमैन जगत पंजाबी सभा कैनेडा, मैं अपने वालों अज एडवोकेट हरजिंदर सिंह जी धामी होना वालों अज की विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस जो आनंदपुर साहब विखे खालसा कॉलेज में हुई उस विच इस ऐलान नूं कि उन्हां वालों नैतिकता दे विषय नूं कॉलेज दे विच लाजमी विषय के तौर पर पढ़ाया जाऊगा, इस गल मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करदा तो उन्होंने वधाइया भी दिना क्योंकि असी इस नैतिकता दे बारे 2016 तो काम कर रहे सीगे ते उहदी अज समझो भी उस साडी इस मेहनत नूं बूर पिया ते एक तरीके नाल खालसा कॉलेज आनंदपुर साहब दुनिया का पहला कॉलेज बन गया जिथे नैतिकता विषय के तौर पर पढ़ाया जाऊगा। दुनिया के होर किसी भी देश में कदे कित भी विषय के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता। इस करके मैं उन्होंने कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी नू, सर हरजिंदर सिंह धामी साहब उन्होंने अपने वधाइया भी दिना है वा तो उन्हों का धन्यवाद भी करदा।